भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। कुछ लोगों को पहाड़ी जगहों पर घूमना पसंद होता है तो कुछ को मैदानी इलाकों में। खैर, देश में कई टूरिस्ट पैलेस हैं जो काफी मशहूर है, वही कई टूरिस्ट पैलेस ऐसे भी हैं जो घोस्ट टूरिज्म के लिए मशहूर है। इन जगहों पर अलौकिक चीजें देखने को मिलती है। आज हम आपको भारत के उन 5 रहस्यमय जगहों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। नंबर 1, केरल का कोंधनी गांव। सबसे पहले बात करते हैं केरल के उस गांव की जहां का रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोंधनी गांव एक ऐसा गांव है जहां 200 से ज्यादा ट्विंस हैं, यानी यहां जुड़वा है। यहां हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, कई बार तिड़वे बच्चे भी होते हैं। इस गाँव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। इस गांव को लेकर एक बात अजीब है कि यहां की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती है तो भी उनके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। नंबर 2, राजस्थान का कुलधरा गांव। आपने कुलधरा के बारे में तो सुना ही होगा। ये राजस्थान का काफी प्रसिद्ध गांव है जहां आपको इंसान नहीं बल्कि खाली घर और खंडर ही मिलेंगे। कहते हैं कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। कहा जाता है कि इस गांव को ये लोग श्राप देकर गए थे कि अब कोई नहीं बस पाएगा। यहाँ बहुत से लोगों ने बसने की कोशिश की लेकिन बुरी आत्माएं कुलधरा गांव में बसने नहीं दिया। नंबर 3, असम का जतिंगा गांव। असम का जतिंगा गांव भी अपने अजीबोगरीब रहस्य के लिए मशहूर है। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून की आखिरी में एक अजीब घटना होने लगती है। यहाँ सूरज ढलने के बाद हजारों की संख्या में पक्षी एक एक करके मरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है आज तक कोई नहीं जान सका। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख नहीं पाते हैं और महसूस भी नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो पेड़ों से टकरा कर मर जाते हैं। नंबर 4, मानव कंकाल वाला तालाब। रूपकुंड तालाब में अजीब रहस्य समाया हुआ है। हर साल सर्दियों के बाद जैसे बर्फ पिघलती है वैसे इस तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर आज तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए जिसके बाद वैज्ञानिकों को मानना है कि यहां मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। नंबर 5, डूबने वाला चर्च सट्टी हाले। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर के सभी कम्युनिस्ट एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरू डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपना चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गई और मलबा बन गई, लेकिन इतने सालों में भी हर साल के चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और दोबारा पानी में लीन हो जाता है। दोस्तों, ये थे भारत की कुछ रहस्यमयी जगह। इन जगहों में आपको कौन सा जगह ज्यादा रहस्यमयी लगा कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।